नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केआर क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं केवीएस के द्वारा जारी की गई नोटिस के बारे में। जी हाँ, केवीएस ने 18 तारीख को एक नोटिस जारी किया है जिसमें बताया क्या है, आइए देखते हैं। इन्होंने ये बताया है कि जो केवीएस के एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है जिसका नाम है सीबीएसई, ठीक है, इन्होंने केवीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया और ये डिसाइड किए। किसने डिसाइड किया? सीबीएसई ने डिसाइड किया कि हम स्कोर को नॉर्मलाइज करेंगे, किसके बिहाफ पर? डिफ़िकल्टी लेवल पर, क्वेश्चन पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल के बिहाफ पर हम नॉर्मलाइज करेंगे। किन पोस्ट के बारे में कहा? इन्होंने बोला कि अगर आप पीआरटी या जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट हो या लाइब्रेरियन, इनके जो मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे इनके पेपर को, ठीक है, देखेंगे, उसके बिहाफ पर डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है उसके बिहाफ पर ये नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज करने के बाद ही आपका स्कोर कार्ड आपको देखने को मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर जो होगा किस पर बेस्ड होगा? ये होगा परसेंटाइल बेस्ड होगा और आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। एक चीज़ तो श्योर हो गई कि आपके स्कोर जो होंगे ना, आपके स्कोर कार्ड जो होंगे नॉर्मलाइज होके आएंगे। दूसरी चीज़ कि आपके स्कोर बढ़ भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जिनके नंबर कम हो रहे थे उनके नंबर बढ़ भी सकते हैं और जिनके नंबर जितने थे उतने भी रह सकते हैं या फिर घट भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, दो चार दिन में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि बाकी चीज़ों का इंटरव्यू चल रहा है केवीएस में। तो बहुत जल्दी ही आपको ये नोटिस भी आ जाएगी कि आपका रिजल्ट आ चुका है या अपलोड कर दिया जाएगा। तो बने रहिए केआर क्लासेस के साथ, आपको अपडेट मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।